हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो निफ्टी फिफ्टी का एक धुआंधार शेयर HDFC लाइफ, उसका रिजल्ट आ चुका है। उसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा। प्रॉफिट जो इसका 6% तक बढ़ा है, 326 करोड़ के पास आया। प्रीमियम इनकम भी सर्ज हुई है 35% तक। तो कोरोना वायरस की सिचुएशन आप लोगों को पता ही है, तो हर बंदे ने इंश्योरेंस करवाई होगी। इंश्योरेंस की वजह से इन लोगों के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। 5% इनका प्रॉफिट बढ़ा है। 308 करोड़ था पहले सितंबर 2019 में, अभी 326 करोड़ आया है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँ। नेट प्रीमियम इनकम ऑफ द कंपनी, जो प्रीमियम इनका आया 10,000 करोड़ के आसपास आया। 34% में उसकी बढ़ोतरी हुई है, पहले 7,453 था, तो 34% की ग्रोथ हुई है प्रीमियम में। द कंपनी हैड इट्स मार्केट शेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एक्सपेंडेड बाय 235 BPS फ्रॉम 15% टू 17% इन टर्म्स ऑफ वेटेड रिटेल प्रीमियम प्राइवेट मार्केट विद इन ग्रुप ऑफ ओवरऑल न्यू बिजनेसेस सेगमेंट्स 27% एंड 23% रिस्पेक्टिवली। तो प्रॉफिट जो इसका बड़ा है वो 326 करोड़ के पास आया। रिजल्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये रिजल्ट आया हुआ है मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर, जो है स्टैंड अलोन रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो पब्लिश जो कंसोलिडेटेड तो पब्लिश नहीं हुआ है। ये सितंबर 2020 देख लो आप, पहले 220 करोड़ की इनकम थी, तो अभी 217 करोड़ की इनकम आई है। और टोटल जो इनकम बन गई है 355 करोड़ है, यहाँ पे 360 करोड़ थी सितंबर 2019 में। तो बाकी प्रोविजन 6 करोड़ की है, यहाँ पे 5.58 की थी, यहाँ पे 6.67 करोड़ की है। जो प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट INC एंड एक्सेप्ट आइटम जो है 326 करोड़ है, 326 करोड़ के आसपास है। और जो प्रॉफिट यहाँ पे नीचे टोटल मैं देखूँगा, 326 करोड़ के पास वही प्रॉफिट जो मैंने आपको बोला ही है, पहले 308 करोड़ था। और इक्विटी शेयर कैपिटल 2019 करोड़ है। तो जो EPS इनका है 1.53 आया है यहाँ पे, पहले EPS इसका बढ़ा है इस क्वार्टर में। तो नतीजे जैसे भी आए इनके, मतलब उम्मीद से काफ़ी बेहतर नतीजे है। तो इस जिस तरह से ये उम्मीद से बेहतर नतीजे दिखाए गए हैं, उसी के बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसने भी बाय करना हो, सिंपल बाय करना, मैं बोल रहा हूँ 560 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। 560 से नीचे स्टॉक को मत रखना। मेरा पहला टारगेट होगा 585 का टारगेट होगा, ये टारगेट इसका आएगा ही आएगा, मैं आपको बोल भी देता हूँ। व्होएवर वांट्स टू बाय दिस मेक एन स्टॉप लॉस 560, माय फर्स्ट टारगेट विल बी 585। 585 नहीं क्रॉस करता है तो गिरेगा, बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। मैं बोल रहा हूँ पोजिशनल गिरेगा, धीरे धीरे करके गिरेगा। और गिरेगा तो ये सीधा मैं बोल रहा हूँ, क्या पता कल ये गैप अप भी कर देगा 585-80 के आसपास, तब भी ये वहाँ पे आप एक सेल की पोजिशन बना सकते हो आप लोग 585 के आसपास, 590 का स्टॉप लॉस लगा के। तो उससे ऊपर ये थोड़ा बुल हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर फ्रेश बाइंग इसमें दिखेगी। तो जिसने भी ये सेल करना हो, गिरना इसने है ही है, 585-90 का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कर सकता है ईजिली। ये आपको 530 तक मिलेगा ये शेयर, 530 और 500 ब्रेक कर गया तो ये 450 पर भी शेयर आ जाएगा, 450 पोजिशनल शेयर, 450 के पास भी आएगा शेयर। तो देखो शेयर नो डाउट बहुत अच्छा शेयर है, बहुत 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 अच्छा शेयर है। वही मैं बोलूँगा जिसने बाय करना लॉन्ग टर्म के लिए, इसको बाय करके रखो। 450-450 के पास अगर आपको मिलता है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख दो, 3-4 साल इसको दे दो। आगे आने वाला टाइम सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर का ही टाइम होगा, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आएगा। तो अच्छे लेवल पे आप पोजिशनल शेयर बाय करके रखते हो तो वहीं पे आपको ये बेनिफिट दे के जाते हैं। तो मैंने वही बोला कि शॉर्ट टर्म जिसने बाय करना हो, सिंपली या तो 585 से ऊपर बाय करेगा तो 600-650 तक ये शेयर जाएगा। 585 से नीचे मैं टोटली बेरिश हूँ, ये शेयर में गिरावट आएगी ही आएगी। 585 से नीचे 530-560-500 तक भी आएगा और 450 तक भी जाएगा ये शेयर। 585 से ऊपर ही आप लोगों ने इसको बाय करना है।
ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन चेंज का डाटा दिखा देता हूँ। ये सिंपली ये देखो 600 की स्ट्राइक के ऊपर अभी भी 17,85,000 के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, जो कि ये मच्योर करेगा ही करेगा। वही 585 से ऊपर मैंने बोल दिया कि ये शेयर आपको 500-600 तक भी लेके जाएगा। ये 600 तक का, 600 के ऊपर स्ट्राइक्स थोड़ी कम है। और नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो स्ट्राइक नीचे इधर 530 के ऊपर जो पुट वाले बैठे हुए हैं लेके, 530 तक का मैंने आपको पहला टारगेट दिया ही, 550-530 तक जाएगा ये। ये देखो 239,000, 326,000 के कॉन्ट्रैक्ट, 5.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट 550 की स्ट्राइक के ऊपर पड़े हुए हैं। तो नीचे की तरफ लोगों ने पोजीशन बना रखी है। ऊपर रेजिस्टेंस, ये 600 का रेजिस्टेंस सामने आ रहा, बहुत भयानक रेजिस्टेंस है। 585-590-600 तक का ये बहुत भयंकर रेजिस्टेंस है। तो इसको पार करेगा तभी ये बुल हो जाएगा, तभी लोग आगे की तरफ सिचुएशन बनाएंगे, पोजीशंस बनाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको रिजल्ट का एनालिसिस यही है कि एक बार आप लोगों को, जिसने भी 400 के पास बाय किया, एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैंने आज ट्रेड किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह पहले ही मार्केट ने आपको पता गैप अप किया, तो वहाँ पे मैंने शॉर्ट दे दिए थे, 11,900 का रेजिस्टेंस लगा के उसको सेल किया था। 11,840 पे आई थी वहाँ पे मार्केट बुक की। फिर 10 बजे दोबारा बैंक निफ्टी को बाय किया 24,000 पे, 23,700 का स्टॉप लॉस लगा के 24,300 तक गई वहाँ पे बुक किया। तो निफ्टी भी दोबारा सेल की 11,880 से 11,830 पे आई। फिर 11,40 पे फिर दोबारा निफ्टी को बाय किया, 11,900 तक का टारगेट था, 11,880 तक गई मार्केट, वहाँ बुक कर ली। 9:34 पे मैंने सिप्ला सेल किया था, 774 से 765 पे बुक किया। कोफोर्ज NIT को सेल किया 2750 से 2730 तक बुक किया। फिर SBI को बाय किया, SBI बैंक निफ्टी में बैंक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट आई, 198 से 203 तक बाय बुक किया SBI को। जस्ट डायल को सेल किया 485 से 475 पे बुक किया। फिर RBL बैंक को बाय किया 178 से 181 पे बुक किया। 10 बजे HDFC बैंक में स्टॉप लॉस हिट हो गया 1210 से 1205 तक। फिर 10:21 पे ICICI लंबार्ड को बाय किया 1248 से 1260 पे बुक किया। 10:53 पे APL अपोलो ट्यूब को सेल किया 2770 से 2730 तक आया वहाँ पे बुक किया। बजाज ऑटो को सेल किया 3025 से 2980 तक आया वहाँ पे बुक किया। राणे ब्रेक को सेल किया 1140 पे 673 से 665 पे बुक किया। HPCL को बाय किया 173 से 176 पे बुक किया। BPCL को बाय किया 346 से 347 पे बुक किया। फिर 14 बजे IGL को बाय किया 376 से 378 तक बुक किया। कम से कम मैंने ये 12 इंट्राडे कॉल्स बुक किया। वही मैं बोला, जिसने भी इंट्राडे कॉल्स मेरे साथ ज्वाइन करना, इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। पोजिशनल शेयर ट्रेडिंग के लिए भी जिसने मेरे साथ ज्वाइन करना है, वो भी मेरे को व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकता है इजीली। क्योंकि आप लोगों का लॉस जो है कहीं ना कहीं मार्केट वालों ने ही छीना है, तो आप मार्केट से ही अपना लॉस है वो पूरा कर सकते हो। ट्रेडिंग बंदे को हारनी नहीं चाहिए, जो भी बंदा लॉस खा के बैठा वो ट्रेडिंग करते रहना चाहिए। तो ये है कि कम क्वांटिटी में करोगे आपको कुछ लोगों को सीखने को भी मिलेगा। तो कम से कम 12 कॉल्स बुक की है, ये कम नहीं होती 12 कॉल्स। मैंने 2-3 कॉल और भी दी थी, वो कल पे शायद एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कल भी मार्केट को गैप अप करना चाहिए, 11,950 तक मार्केट जानी चाहिए। तो मेरी तरफ से HDFC लाइफ का यही एनालिसिस था, क्योंकि 560 से लेकर वो 585 तक मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा HDFC लाइफ में। 560 से 585 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट, वहाँ पे वहाँ से ऊपर जाता तो बाय करना, वहाँ से नीचे आपको एक बार सेल की पोजीशन बना के होल्ड कर सकते हो उसको HDFC लाइफ को। तो व्यू मेरा यही था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स गुरचरण यार।